बोलिए वैष्णो मैया की जय। भक्त जनों, माँ वैष्णो देवी का मंदिर हिंदू मान्यता अनुसार शक्ति को समर्पित पवित्रतम हिंदू मंदिरों में से एक है, जो भारतवर्ष के जम्मू और कश्मीर राज्य में त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। यहाँ पर मैया तीन पिंडियों के रूप में गुफा मंदिर में स्थापित है तथा दर पे आने वालों को दर्शन देकर उनके जन्मों जन्मों के संचित पाप कर्मों का नाश कर रही है, उन्हें मुक्ति का फल प्रदान कर रही है। जितनी रोचक माँ के भवन की चढ़ाई है, उतनी ही रोचक माँ के प्राकट्य की पावन गाथा है, जो आज मैं आपको संगीतमय रूप में सुनाने जा रहा हूँ। तो एक बार फिर से बोलिए, बोलिए वैष्णवी मैया की जय। वैष्णो माँ नारायणी वैष्णवी वरदायिनी, पिंडी रूप में दर्शन देती भव से पार लगायनी। वैष्णो माँ नारायणी वैष्णवी वरदायिनी, पिंडी रूप में दर्शन देती भव से पार लगायनी। वैष्णो मैया नमो नमः, माँ वैष्णवी नमो नमः, पिंडी रानी नमो नमः, माँ कल्याणी नमो नमः। वैष्णो मैया नमो नमः, माँ वैष्णवी नमो नमः, पिंडी रानी नमो नमः, माँ कल्याणी नमो नमः। भक्त जनों, माँ के प्राकट्य की गाथा इस प्रकार से है। जम्मू स्थित कटरा जिले में हंसाली नामक गांव था भक्तों। इसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण श्रीधर अपनी पत्नी के सहित रहा करता था। माँ वैष्णो का परम भक्त था भक्तों, दिन रात माँ की भक्ति करता और जो रूखा सूखा मिलता उसको माँ का प्रसाद समझकर माँ को भोग लगाकर स्वयं भी ग्रहण करता। उसके जीवन की बस एक ही तमन्ना थी कि मैं माँ के नाम का जागा करवाऊं और अगले दिवस सारे गांव वासियों को माँ के नाम का भंडारा खिलवाऊं। पत्नी उसकी बात सुनकर कभी हंसती और कभी रोती थी। घर में खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं था और उसका पति सोच रहा है पूरे गांव को भंडारा खिलवाने की, परंतु माँ का परम भक्त श्रीधर अपनी पत्नी से कहता, हे प्रिये, माँ ने जागे की और भंडारे की प्रेरणा दी है तो करवाएगी भी मेरी वैष्णवी मैया। श्रीधर ने मन में था सोचा, माँ का जागा करवाऊं, जागे के अगले दिन भक्तों को भंडारा खिलवाऊं। ने हंसती बात को सुनकर घर ना अन्न का दाना है और भंडारा खिलवाने को आपने मन में ठाना है। मैया रानी आएगी भंडारा खिलवाएगी, श्रीधर को विश्वास तब भक्तों माँ तो लाज बचाएगी। वैष्णो मैया नमो नमः, माँ वैष्णवी नमो नमः, पिंडी रानी नमो नमः, माँ कल्याणी नमो नमः। और एक रात उसे स्वप्न में माता वैष्णो के दर्शन हुए। माँ ने आश्वासन दिया कि जा मेरे भक्त, मेरे नाम का जागा करवा और अगले दिन पूरे गांव को मेरे नाम से भंडारा खिलवा। श्रीधर अगले दिन सुबह सुबह उठा और माँ का नाम जपते जपते पूरे गांव को जागे का और भंडारे का निमंत्रण देने निकल गया। पत्नी ने बहुत समझाया कि ये आपका भ्रम है, परंतु श्रीधर पर तो माँ की नाम कुमारी चढ़ गई थी। सारे गांव सहित वो भैरवनाथ और उसके शिष्यों को भी भंडारे का निमंत्रण दे आया। सबके मनों में कौतूहल है कि भला ये दरिद्र
हमें क्या भंडारा खिलवाएगा। अगले दिन सब जागे में गए और फिर भंडारा खाने पंगत में बैठ गए। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं और सारा गांव खाना खाने बैठा है कि तभी सब क्या देखते हैं, एक लाल चुनर ओढ़ी छोटी सी कन्या श्रीधर श्रीधर कहती हुई आती है और भोजन का पात्र उठाकर उसमें से 56 भोग निकाल निकाल कर सारे गांव को खिला रही है। श्रीधर की आंखों से खुशियों के आंसू छलक रहे हैं भक्तों, मैया का चमत्कार ऐसा ही है। मैया ने अपने हाथों से भंडारा खिलवाया है, श्रीधर तो खुशियों में झूमा मन ही मन हर्षाया है। भैरुनाथ भी चेले लेकर भंडारे में आया है, सामने देखा खाना बांटती कन्या रूप महामाया है। हलवा पूरी देख के भैरुनाथ चिल्लाया है, भोजन में खाने को उसने मदिरा मांस मंगाया है। वैष्णो मैया नमो नमः, वैष्णवी नमो नमः, इंदी रानी नमो नमः, कल्याणी नमो नमः। वैष्णो मैया ने भी अपनी माया चला दी भक्तों, मांस के थाल और मदिरा के प्याले आ गए। परंतु ज्यों ही भैरवनाथ ने मांस का टुकड़ा उठाया, माँ की कृपा से हलवा चना बन गया। मदिरा उठाई तो वो माँ का चरणामृत बन गया। अब भैरवनाथ जान गया था यह कोई मामूली कन्या नहीं, अपितु साक्षात महामाया है। वो जैसे ही माँ को पकड़ने भागा, माँ लांगुर सहित त्रिकुट पर्वत की ओर पवन वेग से भाग निकली। मैया की अजब लीला है भक्तों, माँ और लांगुर आगे आगे और भैरवनाथ पीछे पीछे। दौड़ते दौड़ते लांगुर को जब प्यास लगाई तो माँ ने बाण मारकर धरती से गंगा प्रकट कर दी। आज भी सभी भक्त इसको बाण गंगा के नाम से जानते हैं और यहाँ पर स्नान करके अपने तन के रोगों को दूर करते हैं। आगे चलकर माँ एक गुफा में जाकर छुप गई और लांगुर बाहर पहरेदारी करने लगा। भागते भागते वैष्णो रानी एक गुफा में थी आई, मैया अंदर छुप गई और बाहर लांगुर अगवाई। नौ महीने तक लांगुर और भैरवनाथ का युद्ध हुआ, युद्ध भयंकर था, भक्तों पर कोई परिणाम नहीं निकला। मैया क्रोध चढ़ आई है, गुफा से बाहर आई है, भैरवनाथ से युद्ध करन को हाथों खड्ग उठाई है। वैष्णो मैया नमो नमः, वैष्णवी नमो नमः, इंदी रानी नमो नमः, कल्याणी नमो नमः। जब नौ महीने तक लांगुर और भैरव के युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला तो माँ नौ महीने के बाद उस गुफा से बाहर निकल आई भक्तों, और तभी से उस गुफा को गर्भजून के नाम से माँ के भक्त जानते हैं। बाहर निकलते ही महामाया ने विकराल रूप धारण कर लिया, 8 भुजाओं में अनेक अनेक अस्त्र शस्त्र धारण किए और माँ भैरवनाथ से युद्ध करने को तत्पर हो गई। भैरवनाथ को भी माँ के नाम की अलख जग गई भक्तों, परंतु जब तक वो अपने पापों की क्षमा मांगता, माँ ने खड़क प्रहार से उसका शीश उड़ा दिया। भैरवनाथ का कटाशीश दूर जाकर भैरव घाटी में गिर गया और वो कटाशीश माँ के नाम का सुमिरन करने लगा। माँ ने भी दयावान होकर उसे अभय वरदान दिया कि जब तक मेरे दर्शनों के पश्चात तेरे शीश के दर्शन नहीं होंगे, मेरी यात्रा का फल संपूर्ण नहीं होगा।
कटे शीश ने भैरों के जब माँ की अलख जगाई थी, उसको भय वरदान देने आ गई महामाई थी। जब तक मेरे दर्शन करके तेरे धाम न जाएंगे, मेरे धाम की यात्रा का पुण्य कभी ना पाएंगे। मैया के दर्शन के बाद भैरव घाटी जाते हैं, मैया के भैरों के दर्शन भक्त सारे पाते हैं। वैष्णो मैया नमो नमः, आ वैष्णवी नमो नमः, इंदी रानी नमो नमः, आ कल्याणी नमो नमः। अब आइए भक्तों, आपको माँ के भवनों की सैर करवाता हूँ। सबसे पहले आता है माँ का परम धाम कौल कंढोली, फिर आती है बाण गंगा, जहाँ भक्त लोग स्नान करके अपने तन के रोगों को दूर करते हैं। थोड़ा चढ़ाई चढ़ने के बाद दर्शन होते हैं चरण पादुका के, जहाँ एक शिला पर माँ के पावन चरणों के निशान हैं। भक्त इनका दर्शन करके आगे को बढ़ते हैं तो आती है वो पावन अर्धकुंवारी गुफा, जहाँ पर माँ ने 9 माह तक वास किया था। यहाँ दर्शन करने के पश्चात चढ़ाई थोड़ी कठिन हो जाती है भक्तों, और आगे हाथी मत्थे की सबसे कठिन चढ़ाई के बाद सांझी छत पर भक्त आकर कुछ देर विश्राम करते हैं और माँ के भवनों का दर्शन करते हैं। अब आती है माँ की वो पावन गुफा, जहाँ पर महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली पिंडी रूप में एक साथ सभी भक्तों को दर्शन देती है। तो बोलिए पिंडी रानी मैया की। ऊंची चढ़ाई ना घबराना, मैया आप बुलाती है, हाथ पकड़ कर बच्चों को वो भवनों पे ले जाती है। नारियल का भोग लगाते, चंदन तिलक लगाते हैं, मैया रानी के भवनों से मुक्ति का फल पाते हैं। लाल चुनर जो मैया को हाथों से पहनाते हैं, भवसागर में कभी न डोले पार वो लग जाते हैं।